सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज 13th ऑफ अप्रैल। वैसे यार व्लॉग मेरे को कल स्टार्ट कर देना था एंड करने के बाद, लेकिन नहीं किया। सोचा था सुबह सुबह उठेंगे, फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी ना सुबह का 7 बज रहा है एंड यूजुअली आपके तनिष भैया इतनी जल्दी उठते नहीं है, लेकिन सुबह मेरे को खांसी आई। मैं उठा था थोड़ी देर के लिए बस खांसने हंसने के लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकला, मैंने मौसम देखा तो मैं जग ही गया सीधे, क्योंकि भाई साहब मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। एंड हवा भी ना बहुत ही ठंडी चल रही है, जैसे मानसून में नहीं चलती है। बस भगवान पानी बरसा दे, अगर पानी बरसा देगा ना मजा आ जाएगी। ये जो धूल उड़ रही है ना, ये सब उड़ना बंद हो जाएगी। और हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें एक इंसान पीछे इतनी देर से देख रहा है, हम आपको क्या बताएं। इतने खूबसूरत मौसम में अपने किशन गार्डन में लगी मजा आता है। और हमारे यहाँ पे एनी दीदी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, और मैंने आपको कल बताया था कि इनकी चोट लग गई है, तो चलो आज मैं आपको इनकी चोट दिखाता हूँ। थोड़ी बहुत सही हो गई है, ये देखो हाथ के पीछे पता नहीं यार ये कैसे रगड़ गया, ये चोट लग गई थी। तो कल इसके में हमने दवाई ववाई लगा दी थी, एंड आज ये काफी अच्छा फील कर रही है, सुबह से खेल भी रही है, तो आज होपफुली इसकी ये जो चोट है ना सही हो जाएगी। एंड अभी फिलहाल मेरा प्लान बना है कहीं जाने का, वो भी गुनगुन दीदी के साथ। बड़े दिनों बाद क्या समझ लो, पहली बार है ना, वैसे गुनगुन दीदी को कहीं लेने जाते, लेकिन आज सोच रहे इतना प्यारा मौसम है तो चलो सुबह एक राइड पे चलते हैं, गुनगुन दीदी को भी घुमाते हैं, हम भी थोड़ा अच्छी ताजी हवा ग्रहण करते हैं, चला जाए। एनी क्या, एनी को लिए जाओ। इस गाड़ी पे पहली बार दो लोग बैठ नहीं पाते हैं, तुम पकड़ लोगी, कद्दू पकड़ पाओगी? नहीं, वो बहुत भारी पागल है, एनी को उसकी चोट लगी, लेटा रहने दो, बाइक पे एनी को थोड़ी ले जाने वाला है। हाय गाइस, ये घोड़ा तरह हिनाने हिनाती का है इधर। सबसे पहले इन्होंने चालू किया था, ये हंसते ही थे, ये घोड़ों की तरह हिनाने वाला बन करता है। अच्छा हाँ, अच्छा बेटा अच्छा। शांत रहना, भी बाहर और कहीं ले नहीं जाएंगे, बस फिर अभी चली जाओगी मुंह घुमा के। ले जा रहे हैं तो शांति रखो, रास्ता तो तुम्हें मेरे क्या बोलते हैं चरण धोके पीने चाहिए, जरूर चरण फेंक देंगे। यहाँ से गाड़ी निकालने का मतलब है कि आपको अमेजोन के जंगलों में से गाड़ी निकालनी है, अमेजोन संभाल के निकालनी होती है, ना गाड़ियों को पूछो ना हमारे पेड़ों को पूछो। अब बताओ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तब भी तो ये मेरा हाथ ही में तो नहीं दम में बैठे चलो भाई, इतना अच्छा मौसम है तो चलो बस आज घूमेंगे थोड़ा बहुत रोड पर। भाई यार सच में इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल धूप है नहीं, तो इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही है कि हम आपको क्या बताएं। और अभी ना मेरे स्कूल की बस यहाँ से निकल गई, तो बच्चे मेरे को देख रहे थे, तो सारे बच्चे जानते हैं वो भी सोच रहे होंगे ये बढ़िया है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये लोग आराम से सुबह घूम रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, वाह। फिलहाल यार अभी ना हम लोग आए हैं थोड़ी देर के लिए कंपनी गार्डन, और कंपनी गार्डन में हमारा एक काम भी था, यहाँ पे ना एक नर्सरी है प्लांट वाली, तो देख लेंगे यहाँ अगर अंगूर का पेड़ मिल गया तो मजे ही आ जाएंगे, वरना अंगूर का पेड़ लेने के मेरे को 12 किलोमीटर दूर जाना होगा शाहजहांपुर रोड पे, वहाँ एक नर्सरी है रोहित नर्सरी, वहाँ पे ना सारे पेड़ मिलते हैं। इस गार्डन से यार बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जब मैं छोटा था ना हमारे वाले घर के पास ही है, जो सुभाष नगर में घर है ना, बस गली पार करो निकल आओ, तो हम और हमारे फ्रेंड्स सुबह शाम यही मटराते रहते थे, बड़ी मजा आती थी छोटे पे यहाँ पे। और यहाँ पे वाइब भी बड़ी पॉजिटिव आती, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाली वाला इलाका ये जो है यही है कंपनी गार्डन, बड़ा बढ़िया लगता है सुबह और शाम को। यहाँ पे आए थे कंपनी गार्डन नर्सरी, और सुबह सुबह हमारा पोपट हो गया। ये देखो भाई साहब अंदर नर्सरी है, मैं यहाँ कभी आया नहीं, मैंने यहाँ से कभी पेड़ नहीं लिया, पर भाई साहब बहुत सारे यहाँ पे पेड़ है, पर यहाँ पे ताला लगा हुआ है। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, पूरी ऊपर जो है पेड़ से कवर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ढंग से। ये देखो आप लोग को हल्का हल्का दिख रहा होगा, पूरी इसकी छत पे भी पेड़ लगे हुए हैं, नीचे भी पेड़ है, काफी तगड़ी नर्सरी थी, पर ये तो बंद हो रखी है, अब क्या करें। चलो चलते हैं यहाँ से, कंपनी गार्डन आए हैं और यहाँ का स्विमिंग पूल ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। नहाओगे तुम कभी? नहाई हो यहाँ कभी? नहीं, जब तुम्हारे तुम कब नहाई हो? तुम्हें छोटे पर कौन लेके आया? अच्छा हम और बाबा आए थे ना, हम बाबा तुम तीन लोग आए थे। मैंने तो भाई छोटे बहुत नहाया, सुबह शाम बस पड़े रहते थे इसमें, लेकिन बस एक बात है यहाँ पानी जो है ना अभी इतना ज्यादा साफ नहीं रहता है, क्योंकि इसका अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हुआ ना, जैसे इसमें कई सालों से टाइल्स वाइल्स नहीं लगे है ना, तो पानी अजीब हरा हरा टाइप का लगता है, अगर टाइल्स लग जाए तो बड़ा मस्त चमके पानी। और अब ना भाई साहब एक बुरी खबर है, यहाँ पे एक्चुअली ये ठेका उठता है स्विमिंग पूल का, तो जिनके पास पहले ठेका था ना वो हमारे ताऊ जी थे,
तो आराम से फ्री में नहाते थे, चाहे जितना भी नहाना हो। अब भाई ठेका बदल चुका है, अब यहाँ पे टिकट है 50 रुपए की, 50 रुपए में एक बार नहाओ, 50 का सॉरी 40 रुपए की है। पर पहले तो हमने मतलब बेसिकली जितनी बार नहाया फ्री में ही नहाया है, क्योंकि जलवा था हमारा, ताऊ जी का था ना टिक्का। इनको देखो भाई साहब, इनको कोई एक्सरसाइज करने के लिए मिला ही नहीं यंत्र, इसी यंत्र पे बैठ के कर रही है जो कि इतना बड़ा है। रहन दो बिटिया, काहे तुम्हें बटोर के हमें घर ले जाना हो, किसको पकड़ो। हाँ अब क्या कर, वाह बैठ जाओ, चलो बैठ ले। अब तुम इसे पकड़ोगे कैसे, बात तो यही है कि बहुत बड़ा है ना ये, बड़े साइज के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। आराम से ना, मुंह ना तोड़ देना अभी, रहन दो, चलो चलो बहुत देर हो गई, चलो चलते हैं। हम लोग टहलने आए हैं, ताजी हवा लेने आए हैं, और यार धूप भी निकल आई, उत्तर से धूप नहीं निकली थी पर अब धूप निकल आई। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, एंड ध्यान रखना गाइस, ये जो यहाँ पे सर्कल है ना, ये जो बना हुआ है यहीं पे होगा अपना मीटअप, जगह याद कर लो आज से ही। हमको बहुत परेशान करते हैं। जब परेशान करते नहीं है तब तो ये बोलती हो परेशान। अच्छा जिस दिन परेशान करेंगे उस दिन कोतवाली चली जाओगी। हमें लगता है कि सर ये हमें परेशान करते हैं, जेल में बंद कर दीजिए। घर वालों को ऐसा लड़का और तुमको ऐसा भाई, चिराग लेके भी नहीं मिलेगा, इतना सीधा भाई है, इतना सीधा लड़का घर वालों का। बिल्कुल जलेबी की तरह, जलेबी इतना तो नहीं, इमरती जैसा, इमरती में ज्यादा राउंड होते हैं जलेबी से भी, पता तुम्हें। भाई घर जाने से पहले हमने लिया है गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा, जो कि हम यहीं पे खा रहे हैं, क्योंकि यार सुबह सुबह खाने का बाहर मजा ही अलग होता है। गुनगुन दीदी ने अपने लिए पैक करा लिया है, बिकॉज इन्होंने ना अभी नहाया नहीं है, और ये ना बिना नहाए कुछ खाते पीते नहीं है। वैसे मैं भी नहीं नहाए कुछ खाता पीता हूँ, पर कभी कभी खा लेता हूँ, पर गुनगुन भाई बिल्कुल सख्त है, नहीं खाती तो नहीं खाते। फाइनली भाई रीच होम सैर सपाटा करके, एंड व्लॉग कम शूट किया, मस्ती ज्यादा करी हम लोगों ने, मस्त ताजी ताजी हवा ली। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर से जो है आसमान खुल टाइप का गया है, सूर्य देवता जी अच्छे से प्रकट हो गए, यानी कि पूरे दिन फिर से गर्मी लगेगी। तो फिलहाल यार अभी दोपहर हो रही है, जिस दिन मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ ना, बस उस दिन सुबह व्लॉग शूट करता हूँ, फिर दोपहर बार आराम से लेटा रहूंगा, उलझल चीजें करूंगा। मतलब खाली तो नहीं था, मैं कुछ मीटअप के लिए प्लान कर रहा था कि गुनगुन दीदी देखो मेरे लिए क्या लेके आई है फ्रूटी, और ये देख के क्या बोलते हैं मेरी आंखों में पानी आ गया, इतना प्रेम देख के, इतना प्रेम कैसे, कोई काम हमें क्या। भाई बोले ये खुद तो लाएगी नहीं, अपनी लेने जा रही थी, मम्मी ने बोला कि जाओ तनु दादा के लिए भी लेके आओ, तभी ले आई, वरना भैया ये हमारे लिए कुछ लाए, ऐसा हो नहीं सकता। कभी लाए नहीं है। हाँ कहाँ लाई हो यार, ये यार दे दो यार, यार ये तो हम अपने रुपए, अपने तो 5 रुपए ले लेना, लेकिन भाई यार ये दोनों चीजें दे दो बस, ठीक है, दोगी नहीं दोगी, आ जा रही, ठीक लो फोन आ रहा। तो ऊपर भाई साहब मस्त फ्रूटी उड़ाई जा रही है, मतलब हम भी उड़ा चुके हैं। और भाई आज एक तड़कती भड़कती न्यूज आई है कि भैया उत्तर प्रदेश में देखिए योगी 2.0 चल रहा है, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई और जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, एंड उसमें से शाहजहांपुर का भी नाम बदला जा रहा है, फरुखाबाद का भी बदला जा रहा है। फरुखाबाद का रख रहे हैं पांचाल नगर, और शाहजहांपुर का भी कुछ रखा जा रहा है, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है, मैं लिस्ट डाल दे रहा हूँ, आप लोग रोक के देख सकते हैं कि किन किन जिलों का नाम बदल रहा है। यार फिलहाल अभी हम निकले थे घर से एक काम के लिए, जो हमारा एक कूलर रखा हुआ है ना, उसे हमें अपने पीछे वाले रूम में लगाना है, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसी के लिए यहाँ पे अभी स्टैंड पता करने आए थे, उसके लिए एक स्टैंड बनाना है, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं उसे गली में रखवाने को, कमरे में जगह है नहीं, गली में रख जाएगा तो ताज़ी ताज़ी हवा आएगी हमारे किचन गार्डन से, मस्त मस्त कमरा अपना ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो वही अभी बात कर रहे हैं, बात हुआ था। फिलहाल यार रीच्ड होम कूलर के स्टैंड की नाप दे दी है, देखो जल्दी बन जाएगा, अभी कन्फर्म नहीं है, देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, हम लोग ये सोच रहे हैं या तो स्टैंड बनाए या तो एंकल लेंथ वाला दीवार में कटवा लें, तो बस वो कन्फर्म करना है, मामा से कन्फर्म करके लगवा देंगे। और सक्षम भैया यहाँ पे बैठ के कुछ गेम वेम खेलना है, एंड अभी फिलहाल हम और सक्षम निकल रहे हैं थोड़े काम से, अंगूर का पेड़ लेना है, यार पता नहीं अंगूर का पेड़ कहाँ मिलेगा, वही एक नर्सरी है रोहित नर्सरी, जो कि अब तक से 12-13 किलोमीटर है, तो वो हुआ तो अभी वहाँ जाएंगे। और अंगूर के पेड़ के अलावा भी हम लोग ना कुछ मीटअप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पता करना है, तो बस अभी हम और सक्षम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, एंड शायद भाई इस ब्लॉग के बाद हमारा शेड्यूल सही हो जाए, और वो शेड्यूल बिगड़ा भी बताऊं मेरी वजह से, बिकॉज मेरे अंदर ना सच बता रहा कुछ दिनों से काफी ज्यादा आलस टाइप का आ गया है, मतलब मैं सुबह उठ जाता हूँ ना, मैं बाकी सारे काम करते रहता हूँ, व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करता, अजान चालू हो गई, 2 मिनट रुकिए, अजान खत्म, चलो अब बात करते हैं। मैं ना आपको ये बता रहा था कि पहले ना मैं जब उठा करता था तो पूरे दिन शुरुआत से लेके सुबह के जब भी उठता था तब से लेके रात तक पूरे दिन बराबर व्लॉगिंग करता रहता था, पर भाई साहब अब ऐसा नहीं है, अब मैं बहुत कम ही व्लॉग शूट करता हूँ दिन में, जैसे कि 12-1-2 बजे तरफ स्टार्ट करता हूँ, एंड यही मेन कारण है कि व्लॉग का जो है शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ना बस मेन कंटेंट ही निकालता हूँ, ऐसे अब नहीं डाल रहा हूँ, पर अब हम थोड़ा ढंग से शूट क्या करेंगे, सुबह से शूट क्या करेंगे, सुबह से लेकर रात तक वही सही रहता है, इससे काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। फिलहाल हम सक्षम निकल रहे हैं वही काम के लिए, जो मीटअप के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करनी है, तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।
ये एक पपी आ रहा है, ये जो है पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा पपी आ गया हमारे मोहल्ले में, ये शायद एक उधर एक कुतिया है उधर उसका पपी है, ये देखो ये देखो ये कूद रही, अभी कल लो इन पे चिल्ला देगी वह शांत हो जाएंगे, ये देखो इनको मुंह पे, ये देखो चलो छोटे वाले पपी के पास चलते हैं, चलो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, सफ़ेद और ब्लैक है ना, अरे गिरा दी इसको देखो हाथ रख के सुन मेरे